आईएसआईएस के चंगुल से छूटी इराक के 18 साल की लड़की ने हिंदुस्तान आकर आतंकी संगठन के जुल्म की खौफनाक दास्तां बयां की है। ये लड़की करीब 3 साल तक आईएसआईएस के चंगुल में रही थी और इन 3 सालों के दौरान उसे काफी प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। लड़की ने बताया कि 2014 में आईएसआईएस आतंकियों ने उसके कस्बे कोचो में हमला किया और फिर इलाके में 400 पुरुषों की हत्या कर दी, फिर महिलाओं और बच्चों को बंधक बना लिया गया। आतंकियों ने अगवा करने के बाद उसे 5 बार बेचा और फिर सीरिया में सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए मजबूर भी किया। किसी तरह ये लड़की आईएस के चंगुल से छूटकर बाहर निकली और अब वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत से इराक में फंसे लोगों से बचाने की गुहार लगा रही है।